और मोह गया इसकी क्या पहचान है? राम भगवान में, भगवान में, ईश्वर में दृढ़ अनुराग बन जाए मन में। तुम्हारा प्रेम किससे है? आत्मा परमात्मा से है कि संसार से है? बोले अभी तो आत्मा परमात्मा से नहीं है, संसार से। बोले अभी मोह बना है। तो मोह क्यों है? बोले तुमने मोह को भगाने वाली जो दवा है ना, वो नहीं खाई। तो वो दवा क्या है? का राम कथा। ये दवा कहाँ मिलती है? कि सत्संग में। अरे दुख तो तुम्हारे जीवन में जितना है वो मोह का है, मोह का। और मोह तो बिना सत्संग के दूर हो नहीं सकता। सुखी रहने का मन हो अगर जिंदगी भर और जन्म जन्म, तो सत्संग से दूर रहना, सत्संग में नहीं आना। अगर इस जन्म में भी खूब खूब दुखी होना हो और अगले अगले जन्मों में भी खूब खूब दुखी होना हो, तो सत्संग से परहेज रखना, नहीं आना सत्संग में। बोलो। बोले नहीं बाबा, हम तो न इस जन्म में दुखी होना चाहते हैं, न अगले जन्म में दुखी होना चाहते हैं, हम दुख से तो बचना चाहते हैं। बोले तब इसकी दूसरी कोई दवा नहीं है? तुम्हारा पैसा, तुम्हारा कुटुंब है ना, तुम्हारी कमाई इस रोग को दूर नहीं कर सकती। गोस्वामी जी ने क्या बढ़िया बात कही है, मति कीरति गति भूति भलाई, जो जेहि जतन जहां जब पाई, सो जानब सत्संग प्रभाऊ, लोकहु वेदन आन उपाऊ। जिस आदमी को भी, जिस प्राणी को भी, चाहे जो प्रयत्न करने से, चाहे जिस देश में और जिस काल में, मति कीर्ति गति भूति भलाई प्राप्त हुई है, तो वो सत्संग के प्रभाव से प्राप्त हुई है। लोक में, वेद में, कहीं भी दूसरा, लोक में, वेद में कहीं भी दूसरा उपाय नहीं है। लो ये तो जैसे वेदांती लोग बोलते हैं, नान्य पंथा विद्यते अनाय, परमात्मा की प्राप्ति के लिए दूसरा मार्ग नहीं है। वैसे संसार में मति कीर्ति गति भूति भलाई प्राप्त करने के लिए सत्संग के सिवाय दूसरा मार्ग नहीं है। सत्संग नहीं दई दे या तो धाना मृगा खगा, गंधर्वाप सरसो नागा, सिद्धाचारण गुर्जका, विद्याधरा मनुष्येषु, वैश्या शूद्रा स्त्रियोंत्यजा। सत्संग करो, सत्संग करो माने जो सत है उसके साथ अपना संबंध, अपना रिश्ता, अपना नाता जोड़ो। लाल बहादुर शास्त्री जब प्राइम मिनिस्टर हुए ना, तो हमारे गांव के पास का एक कायस आया, तो वो कायस हमारा है ना, हमारे समझो गृहस्थ आश्रम का, हमारे पिता पितामह प्रपितामह की जो शिष्य परंपरा है ना, उसमें वो कायस। तो मैंने उससे पूछा कि क्यों भाई, लाल बहादुर शास्त्री से तुम्हारा रिश्ता कोई है कि नहीं है? तो उसने बोला है, अरे हिंदुस्तान का कोई भी कायस हमारे पास आ जाए और हम पूछें कि लाल बहादुर शास्त्री से तुम्हारा रिश्ता है कि नहीं, वो तुरंत बता दे कि हमारे तो मऊता के फलाने लगते हैं,
तो हम आपको समझाना कि ये कायस्थ में रिवाज है वो कि वो जहाँ कोई बड़े आदमी हुआ तो झट अपना रिश्तेदार बनाया हो, तो जब किसी बड़े आदमी से रिश्ता जोड़ने में गौरव मालूम पड़ता है, जो भगवान के रिश्तेदार है ना उनसे रिश्ता जोड़ो तो भगवान के साथ तुम्हारा रिश्ता जुड़ जाएगा। भगवान के रिश्तेदार तो आप जानते ही हो कौन होते हैं, तो भगवान के रिश्तेदार का नाम संत है। भगवान के रिश्तेदार का नाम संत, संत से रिश्ता जोड़ो तो भगवान से रिश्ता हो जाएगा, पहुंच हो जाएगी पूरा। तो अब सत्संग की बात थोड़ी आगे कुछ ना, जैसे जो आजकल क्रांतिकारी या प्रगतिशील कहे जाते हैं ना, वो क्या चाहते हैं कि भविष्य में जो बात अपने आप होने वाली है वो आज ही हो जाए, इस चक्कर में जो पड़ा हुआ है उसको क्रांतिकारी बोलते हैं, उसको प्रगतिशील बोलते हैं। होने वाला तो अपने आप ही है, हाँ, लेकिन वो उसका कर्ता बनना चाहते हैं। और परमात्मा किसको बोलते हैं, संस्कृति का उपासक प्रेमी, जो भूत को वर्तमान में लाना चाहते हैं और भविष्य में भी ले चलना चाहते हैं। जैसे पहले लोग खाते थे, जैसे पहनते थे, जैसे रहते थे, वैसे ही सब लोग रहे, उसमें कोई परिवर्तन न होवे। जो भूत को, मुर्दे को जो वर्तमान में लाना चाहते हैं और आगे भी उसको रखना चाहते हैं, ये कब्रगाह छोड़ने ही नहीं चाहते हैं, तो वही पोशाक बनी रहे, वही भोजन बनी रहे, है ना, वैसे ही सब लोग, मूछ दाढ़ी भी वैसी रहे, कपड़ा लत्ता भी वैसे ही रहे, खान पान भी वैसे ही रहे। तो ये जो भूत को वर्तमान में रखना चाहते हैं और भविष्य में ले जाना चाहते हैं, ऐसे लोगों को तो कट्टर धर्मात्मा और कट्टर संस्कृति प्रेमी बोला जाता है। वो भूत में जो दोष है वो उनको नहीं दिखता है, उसमें जो मुर्दा होता जा रहा है ना, वो सड़े हुए नाखून को भी और सड़े हुए बाल, सफेद बाल को भी, है ना, बनाया झड़े हुए बाल को भी दूध से सफाए रहना चाहते हैं। उनको बोलते हैं कट्टर धर्मात्मा है, कट्टर सांस कर देते। और जो भूत में दोष है वो उनको नहीं दिखता, जो अच्छाई है वो दिखती है। और क्रांतिकारी कौन है, भविष्य में जो दोष है वो उनको नहीं दिखता, जो गुण है वो दिखता है, और भूत में दोष ही दोष दिखता है। और जो शासनारूढ़ पार्टी होती है ना, कुर्सीधारी, वो लोग चाहते हैं कि वर्तमान शासन ही हमेशा बना रहे, वो वर्तमान को भविष्य में ले चलना चाहते हैं। अब वर्तमान भविष्य में कैसे जाएगा, भविष्य वर्तमान में कैसे आएगा, भूत वर्तमान में कैसे रहेगा और भूत भविष्य में कैसे जाएगा, तो न भूत वर्तमान में आ सकता, न भविष्य में जा सकता, न वर्तमान भविष्य में रह सकता, न भविष्य वर्तमान में आ सकता। इसलिए ये तीनों जो हैं, ये काल के खिलौने हैं। ये किसके प्रेमी हैं, बोले काल के प्रेमी हैं। कोई भूत काल का प्रेमी है, कोई वर्तमान काल का प्रेमी है, कोई भविष्य काल का प्रेमी है। और सत्संग कहाँ है, तो जो तीनों काल में एक परमात्मा है ना, उसको तो पकड़ लो, और बदलते हुए काल में जो बदलता जा रहा है उसमें अपने मन को मत जोड़ो। जो तीनों काल में है ना, जो सत्य है, एक रस है, जो परमेश्वर है, जो परमात्मा है, जो सत है, उसके साथ अपना मन जोड़ो। जो मुर्दा हो गया उसका ध्यान मत करो, इसमें बहुत पतिव्रता होने की जरूरत नहीं है।
और हमारी वर्तमान कुर्सी भविष्य में भी चले, इसके लिए मोहक ग्रस्त होने की मूड होने की जरूरत नहीं है। और जो भविष्य में होने वाला है तो आज ही हो जाए, इसके लिए बहुत त्वरा करने की जरूरत नहीं है। माने धर्मांधता और कुर्सी का मोह है ना, और अतिरिक्त उतावली छोड़ करके जरा बैठो अपने दिल में और देखो उस ईश्वर को जिसकी आंख के इशारे में, जिसके भौं की मटकन में, जिसकी मुस्कान में दुनिया में उलट फेर होता रहता है, वो चलती बदलती रहती है। संत उसको नहीं कहते कि जब जो हवा आई उसी में बह गए, जब राजा ने कहा कि हिंदी चीनी भाई भाई, सब बड़े जोर से चिल्लाए हिंदी चीनी भाई भाई, जब सरकार ने कहा कि दोनों बड़े दुश्मन तो जोर से चल के चढ़ाई करो चीन पर, ये जो परिस्थिति के साथ जो बहता जाता है उसको संत नहीं बोलते। संत उसको बोलते हैं जो सब को, जो सब देश में है, सब काल में है, सब वस्तु में है, अपने में है, पराये में है, जो मुर्दे में है, जो कुर्सी में है, जो भविष्य में है। नारायण उस पर जिसकी दृष्टि रहती है उसको संत बोलते हैं। उसके साथ जिसका संग है, संबंध है, रिश्ता है, नाता है ना, उसको बोलते हैं सत्संगी। तो ये सत्संग चाहे कोई भी करे, सत्संगे नहीं दैते या तो धाना मृगा खगा गंधर्वाप सरसो नागा सिद्धाचारण गुज्य का। बड़े बड़े दैत्य, इसमें योनि का भेद नहीं है। बोला दैत्यों में प्रहलाद हुए, वृत्रासुर हुआ, दानों में वृत्रासुर हुआ, बलि हुए, बाण हुआ, देखो ना दैत्य दानों में भी भगवान के भक्त हुए और उन्होंने सबको पकड़ा। तो भगवान ने कोई उनसे परहेज थोड़े किया। प्रहलाद के सिर पर हाथ रख दिया और बलि के सिर पर पांव रख दिया। देखो क्या क्या अद्भुत है। बाणासुर को अभय दान दे दिया। बाणासुर को भगवान ने क्या बनाया आपको मालूम है? अपने बेटे का समधी। भगवान के बेटा कौन? प्रद्युम्न। तो प्रद्युम्न का बाणासुर कौन हुआ? समधी हुआ। हो समधी साहजी हो गए। बाण की बेटी से अनिरुद्ध का विवाह हुआ ना उषा का, तो प्रद्युम्न और बाणासुर तो बराबरी के हो गए, उनकी बेटी उनका बेटा। और भगवान का बोले वाह ये तो हमारे बेटे का समधी है, तो बेटे के बराबर हो गया। जाम्बवान को अपना ससुर बना लिया भालू को। हे भगवान, है ना, भालू की बेटी कैसी रही होगी आप लोग एक कल्पना करो, है ना, क्योंकि तो बड़ी सुंदरी रही होगी, उसका मुंह कैसा रहा होगा भालू की बेटी, है ना, उसके शरीर पर बाल जरूर रहे होंगे, ये तो आप पक्का ही समझ। ऐसा नहीं है, जाम्बवती बहुत सुंदरी थी, लेकिन आप एक कल्पना करो कि भालू की बेटी से जो ब्याह करने को तैयार। दैतेया भगवान शारीरिक सौंदर्य पर दृष्टि नहीं रखते, वो वंश परंपरा नहीं देखते कि माम खोर का शुकुल होए तब तो हमारा संबंधी बने।
तीन वाला होना चाहिए, बोला तेरह वाला नहीं, क्योंकि यहाँ के लोग तीन तेरह का भेद नहीं जानते होंगे। बोला ये पूर्विया ब्राह्मणों में तीन तेरह का भेद होता है। ये नहीं देखते, वो तो हृदय देखते हैं, हृदय की भक्ति। या तुधाना, देखो राक्षसों में, राक्षसों में विभीषण सत्संग में ना, आगे नाम आने वाले हैं सब, इसलिए आपको नाम की बात नहीं बताता हूँ, आगे सब नाम आने वाले हैं। मृगा या तुधाना, अरे हे भगवान, कुंभकर्ण जो है ना, वो बोलते समय मरते समय भगवान का नाम लेके मरता है। रावण मरते समय कहता है कहाँ राम। मारीच जो है ना, मारीच अंतर प्रेम तासु पहचाना, भगवान ने देखा कि मारीच के हृदय में मेरा प्रेम है। अंतर प्रेम तासु पहचाना, प्रेम के पारखी हैं वो, उसने धोखा दिया, उनकी पत्नी के हरण में निमित्त बना, लक्ष्मण नाम को पुकार करके रामचंद्र को धोखा देने की कोशिश की, लेकिन भगवान समझते थे कि ये ऊपर से चाहे कुछ करे, भीतर से हमारा प्रेमी है। अंतर प्रेम सासु पहचाना, मारीच में भी प्रेम पहचानते हैं भगवान अपना। जाकु गाना मृगा, देखो ना, पशु भी भगवान से प्रेम करते हैं। मृग शब्द जो है वो पशु का उपलक्षण है, लेकिन अगर कोई मृग माने हरि नहीं ले ना, तो आप जानते ही हो हमारे जो ब्रज के ठाकुर हैं, हरिन और हरिनी उनसे बहुत प्रेम करते थे। धन्यास्म मूध मतयो हरिणेता, या नंदनंदन उपात विचित्र वेशम, आकर्णीय वेणुरणितम सह कृष्ण सारा, पूजाम दधुर विरचिताम प्रणयावलोकैहि। हरिन और हरिणी, उन्होंने किसी भी वेदांती से अहम ब्रह्मास्मि की शिक्षा दीक्षा ग्रहण नहीं की थी, मूढ़ मतय थी, उन्हें आत्मा और परमात्मा की एकता का ज्ञान नहीं था, वो तो पशु जोड़ी में थे, परंतु वे धन्य हैं, धन्य हैं, धन्य हैं। क्यों? तो उपात्त विचित्र वेशम, बांसुरी बजाते हुए, मोर मुकुट धारण किए हुए, पीतांबर धारी, प्यार भरी मुस्कान, वो मधुर मधुर मुस्कान, वो प्यार भरी चितवन, वो अनुग्रह भरी भौहें, वो फहराता हुआ पीतांबर, वो चाल में चलन में नृत्य, बोलन में संगीत, वो प्यारे प्यारे श्याम सुंदर को देख करके, आकर्णी वेणु रानीताम, वो वंशी की मधुर मधुर ध्वनि सुन करके, क्या पुरुष जाति के हरिन और क्या स्त्री जाति की हरिनी, प्रेम भरी चितवन से श्याम सुंदर को देखने में मग्न हो गए। देखो ना वो दृश्य ब्रज का, उनका कल्याण हो गया, सत्संग हो गया, वो उनको सत्संग मिल गया। मृगा, खगा, नृत्यंत्यहो सिखिन हंत मुदा हरिण्यः, कुर्वन्ति गोप्यैव ते प्रियवीक्षणेन। मोर नाच रहे हैं, कोयल कुहू कुहू करके गान कर रही है, खगाह, चलो एक बार अपने मन को वृंदावन ले चलो। ये हम ये नहीं कहते हैं कि आप भूत का चिंतन करो कि 5000 बरस पहले ऐसा वृंदावन में होता था
अरे तुम्हारे मन के वृंदावन में अभी ऐसा हो रहा है। बोला भूत को वर्तमान में मत ले आओ, और वर्तमान जो तुम्हारे घर का धन है, बेटा है, बेटी है, पति है, पत्नी है, उसको भविष्य में ले चलने की बात मत सोचो। और भविष्य में क्या होगा, स्वर्ग होगा कि नरक होगा, उसको मन में मत ले आओ। प्रगतिशील क्रांतिकारियों के समान भविष्य के स्वर्ग नरक को अपने मन में मत आने दो है? और कट्टर धर्मात्माओं के समान भूत की संस्कृति का उसको अपने मन में मत आने दो। और वर्तमान में जो तुम्हारा कुटुंब है, परिवार है, उसको सत्तारूढ़ दल के समान उससे मोह करके उस पर चिपको मत। तीनों से असंग हो करके देखो नारायण, तुम्हारे हृदय में परमेश्वर मुस्कुरा रहा है, तुम्हारे हृदय में प्रेम भरी चितवन, अनुग्रह भरी भाव से परमेश्वर परमात्मा तुमको देख रहा है, देख रहा है तुमको। कुर्वन्ति गोप्यैवते प्रियमो मे मीक्षणाय सूक्तैश्च को किल गणा गृहम आगतायो खगा। पक्षियों की ये दशा है, गंधर्वाप्सरसो नागाः हंत चित्रमवलाप्सरणपेदम्। गंधर्व संगीत गा रहे हैं, अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, नागाः नगाश्च हाथी। गजेंद्र का नाम तो सुना ही होगा, नाम नहीं बता रहे, अभी आगे नाम बताऊंगा। बड़े बड़े सिद्ध, चारण, जक्ष, पेड़ पौधे हो, जमलार्जुन। आप मालूम है, एक भक्तों की टोली भगवान के प्रेम में मतवाली हो रही थी। जीव सहज स्वभाव से परमेश्वर का भक्त प्रेम पागल हो रही, भगवान उनके सामने प्रकट हुए। भगवान ने कहा, मेरे प्यारे भक्तों, वर मांगो। भक्तों ने कहा कि महाराज, आप हमारे पांव छीन लो, हम बिना पांव के हो जाएंगे, हम यही धरती में गड़ जाएंगे, हम पेड़ पौधे बन जाएंगे। बोले, अरे भले मानोस, तुम मनुष्य हो के तुम पेड़ क्यों होना चाहते हो? बोले, हम पेड़ यूं होना चाहते हैं महाराज कि अगर पांव रहेगा तो कभी हम ब्रज भूमि से निकल के बाहर चले जाएंगे। गाड़ दो हमको आधा आधा आधा, गाड़ दो इस ब्रज भूमि में, तमोपहत्य सर्व जन्म यत्कृतम्। कहीं हमको ये अज्ञान न हो जाए कि हम ब्रज भूमि से बाहर जाएं, हमको ये अज्ञान न हो जाए कि तुम्हारे वियोग का दुख होवे, हम यहीं रहें, तुम ही आओ हमारी छाया में, तुम्हारी तुम्हें पाने के लिए हमको न चलना पड़े, तुम चल के हमारे पास आओ, हमें अपना फूल तुम्हें न देना पड़े, तुम अपने हाथ से चुन लो, हमें अपना फल न खिलाना पड़े, तुम अपने हाथ से तोड़ के खाओ, हमको कितना सुख, कितनी शांति मिलेगी, तमोपहत्य तरु जन्म यत्कृतम्। उनको कोई नरक का डर नहीं था, उनको कोई मोह नहीं था, उनको कोई दुख नहीं था, उन्होंने वृक्ष बनना स्वीकार किया हो। ये कैसे हुआ? बोले, ये सत्संग से हुआ। विद्याधरा मनुष्येषु त्रयोन्त्यजाः रजस्तमः प्रकृतयः तस्मिस्तस्मिन् युगे नघ। विद्याधर चित्रकेतु विद्याधर हुआ हो, मनुष्यों में वैश्य। वैश्य जो है ये उनको कहते हैं कि जो धन जीवी हैं, हो कोई
भगवान की पत्नी से प्रेम करे और भगवान से प्रेम न करे तो जरा भगवान को असमंजस लगता है, अटपटा लगता है। देखो रावण जो है वो सीता जी से तो बहुत प्रेम करता था लेकिन राम से दुश्मनी करता था, तो राम ने रावण को मार दिया था। लेकिन ऐसे लोग जो राम से प्रेम करते हैं और सीता से प्रेम नहीं करते, उनसे राम जी नाराज नहीं होते। दोनों से प्रेम करो चलेगा, लेकिन अकेली घरवाली से प्रीति तो ये बनिया लोग जो है ना, बानिया लोग, हमारा मतलब किसी जाति से नहीं है, वो बनिया बुद्धि के लोग जो है, बनिया बुद्ध चाहे ब्राह्मण हो चाहे क्षत्रिय हो चाहे वैश्य हो, अगर बाणिया है ना, बुद्धि में बाणियापन है तो बोले भगवान का मिलना बड़ा मुश्किल है। देखो गीता में भगवान ने वाणियों का नाम ऐसी जगह पर लिया है कि कई वाणिया के प्रेमी लोगों को फिर उसकी सफाई देनी पड़ी है। बोला आप जानते हो ना वो प्रसंग जो गीता में है, अभिजेत सुदुराचारो भजते मामनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः सम्यक् व्यवसितो हि सः क्षिप्रं भवति धर्मात्मा सस्वच्छान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। माम हि पार्थव्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापजूनयः। अब आगे देखो, स्त्री हो वैश्या तथा शूद्रा, ये कोई इज्जत के साथ नाम नहीं दिया गया है। वो एक और स्त्री एक और शूद्र और तीनों के पहले पाप जो नया, तो मधुसूदन सरस्वती ने है ना, जयदयाल गोविंदका ने लोगों ने पाप जोनया को अलग कर दिया हो बोले पाप जोनया गृद्धा दया, पाप जोनी माने गीध वगैरह, और स्त्री वही शूद्र ये से। लेकिन किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्या जो है उसको कौन निकालेगा, भक्ता राजर से अस्तपा, बोले पुण्यात्मा ब्राह्मण और भक्त राजर्षि, ये भक्त हुए तब तो कहने ही क्या, अब वैश्य भी भक्त हो जाए तो उसका कल्याण हो जाए। अब लो भला दो नंबर की बात तो आई गई, वाणिया वाली बात महाराज, वैश्या प्रियो वैश्य चाहे तो उनकी नजर जो है वो लक्ष्मी जी पर ज्यादा होती है, वो रिद्धि सिद्धि रिद्धि सिद्धि लक्ष्मी जी सहाय लक्ष्मी जी प्रसन्न, ये सब वही खाते में लिख दें, दीवार पर लिख दें, महाराज भगवान का नाम जल्दी ना आवे मुंह से। तो ऐसे लोगों वैश्या, वैश्या माने विष जीविना, विष माने धन, धन से जो अपनी जीविका धन पर जिसकी नजर होवे, पैसा 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 पैसा, उसको वैश्य बोलते हैं। उनका भी कल्याण हो जाता है। वैश्या शूद्रा सत्संग करें तो शूद्र का भी कल्याण होगा, सत्संग करें तो स्त्री का भी कल्याण होगा, सत्संग करें तो अंत्यज का भी कल्याण होगा। क्या द्विजाति क्या शूद्र, ईश को वेश्या भी बच सकती है। इसमें ये नहीं देख, कोई कहे कि हम तो पाप करते हैं तो भगवान का नाम कैसे लें, बेवकूफ है, पाप से छूटने का उपाय क्या है, भगवान का नाम ही तो है ना, उसको क्यों छोड़ रहे हो, पाप किया तो किया। एक आदमी से एक दिन मैंने पूछा कि तुम सत्संग में आज क्यों नहीं आए,
तो बोले कि महाराज इधर दो तीन दिन से नहीं आया तो अब आने में शर्म आती है, कैसे आ रहे हैं। अरे बाबा दो तीन दिन छूट गया तो छूट गया है ना, अब आज तो आओ। तो बोले ना ना हमको तो शर्म आती है। हे भगवान, है ना, कि अपने पांव पर अपने आप ही तो कुठारा घात करना हुआ ना, अपना ही तो नुकसान हुआ ना। शर्म तो इस बात पर आनी चाहिए कि दो तीन दिन नहीं आए, लेकिन आने में शर्म क्यों आनी चाहिए। अंत्यजा, अंत्यज भी क्या विजा क्या शूद्र, ईश को वेश्या भी भज सकती है। भक्ति भाव में वेश्या को भी शुचिता कब तज सकती है। अजामिल अजामिल सरीखा पापी भी भगवान नाम का उच्चारण करे तो उसका कल्याण हो जाता है। श्रीमद् भागवत में आया, स्वादोपि सद्य श्रवनाय कल्पते। कुत्ते का मांस खाने वाला जो मनुष्य है, कुत्ते का मांस खाने वाला मनुष्य है, वो मनुष्य भी यदि वाणी से भगवान नाम का उच्चारण करे तो वो तुरंत कल्याण भाजन हो जाता है। तो देखो लोग कब्र की उपासना करते हैं, मरे हुए, मरे हुए को वर्तमान में नहीं लाया जा सकता। जो बीत गया वो भविष्य में अब नहीं आवेगा, वो वर्तमान में अब नहीं आवेगा, छोड़ो उसको। जो वर्तमान में है वो भविष्य में नहीं चलेगा, और जो अभी भविष्य में है वो वर्तमान में आज नहीं आवेगा। तो भूत भविष्य वर्तमान, न प्रगतिशील क्रांतिकारी बनो, न सत्तारूढ़ राजनीतिक दल बनो, और न कट्टरपंथी बनो, दकियानुसी है ना, गोंगापंथी भी नहीं बनो। और तीनों में रहने वाला जो एक ईश्वर है उसको पकड़ो, अपनी ओर मत देखो, ईश्वर की ओर देखो। अपने बड़प्पन को देखोगे तो ईश्वर का बड़प्पन छूट जाएगा, ये गलत रास्ता है। रजस्तम प्रकृतयः तस्मिन् तस्मिन् युगे नघो। कई लोग रजोगुणी थे, भगवान का भजन करके गुणातीत हो गए। कई लोग तमोगुणी थे, भगवान का भजन करके गुणातीत हो गए। हर युग में ऐसा हुआ है। बहवो मत पदम प्राप्ताः त्वाष्ट्र काया भवादयः। वृष परवा बले रुबाणो मयश्चाथ विभीषण सुग्रीवो हनुमान रक्षो गजो गृध्रो वणिक्पथः। बहवो मत पदम प्राप्ताः सुग्रीवो हनुमान रक्षो गजो गृध्रो वणिक्पथः। व्याधः कुब्जा व्रजे गोप्यः यज्ञ पत्नी तथा परे। तेनाधीर श्रुति गणा नूपासित महत्तमाः। अव्रता तप्त तपसः सत्संगान मामुपागताः। बहवो मत पदम प्राप्ताः। अरे किसका किसका नाम लें कि हमारे पास आया। बोले वृत्रासुर आया हो, लड़ाई करते करते क्या आश्चर्य। वो वृत्रासुर जो हाथी सहित इंद्र को निगल गया, त्वष्टा कहते हैं बढ़ई को, ये जो लकड़ी गड़ गड़ के उसमें से किवाड़ी बनाता है, फर्नीचर जो तैयार करता है ना, फर्नीचर लकड़ी का काम करता है, उसको बोलते हैं त्वष्टा तक्षा। तो ये दुनिया में सकल सूरत गढ़ने वाला जो है ना त्वष्टा, वो अज्ञानांधकार है।
अज्ञान ही दुनिया को पैदा करता है। ये जितने रिश्ते नाते हैं दुनिया में सब अनजान पदे पने में पैदा हुए हैं। तुम्हारा बेटा तुम्हारी बहुत सेवा करता है लेकिन उसके मन में ये ख्याल है कि जब ये मरेंगे तो इनकी सब चीज हमारी हो जाएगी। बोला तुम्हारे मौत तुम्हारी मौत से फायदा उठाने वाला कौन है? आप जानते हो तुम्हारा बेटा। वो एक और तो रोएगा तुम्हारे लिए कि हाय हाय हमारे बाप मर गए माँ मर गई और दूसरी ओर खुश होगा कि आज हम मालिक हो गए लाखों के। बिल्कुल अब चेक काटने का है ना अधिकार हमको प्राप्त हो गया हम दुकान के मालिक। बोला त्वष्टा का बेटा वृत्रासुर उसको त्वाष्ट्र बोलते हैं त्वाष्ट्र ये क्या है आवरण है बोला आवरणार्थ वृत्र अकस्मात वरणार्थ वृत्र को वृत्र क्यों कहते हैं तो वो सबको ठग देता है। किसको किसको ठग दिया तो कर्म हाथ में जो कर्म होता है ना इसमें अनुग्रह करने वाला देवता इंद्र है और दिमाग में जो बुद्धि काम करती है ना बुद्धि जो है वो गज है वो ऐरावत है। बुद्धि में आरूढ़ हो करके जो चेतन कर्म का कर्ता बना हुआ है उस कर्ता को ये आवरण रूप वृत्रासुर निगल जाता है। कहाँ जाता है सुषुप्ति में वो कर्ता जब गाढ़ निद्रा में सोते हैं तो इस समय तो तुम राजा हो जब सो जाते हो तो राजा रानी का भेद रहता है ये प्यारा प्यारी दोनों मर जाते हैं कब सोने पर नींद में प्यारे और प्यारी आशिक और मासूक दोनों मर जाते हैं नींद में वो अज्ञान अंधकार दोनों को अपने पेट में निगल लेता है वृत्रासुर निगलने वाला। और इंद्र पर भो महाराज इंद्र के मारे वो मरे थोड़ी पर इंद्र ने दधीची संत दधीची रूप दध्यंग आथर्वण जो ऋषि है उस ऋषि की हड्डी में जब विष्णु भगवान आ करके बैठे और इंद्र ने उस वज्र का प्रयोग किया माना वृत्तारूढ़ ब्रह्म का जब प्रयोग किया ना तब आवरण भंग हुआ वृत्तारूढ़ ब्रह्म का जब प्रयोग किया तब आवरण भंग हुआ। बोले वो वृत्रासुर महाराज यज्ञ युद्ध रूप महायज्ञ में और जिसमें अपने शरीर की आहुति देनी पड़ती है। तुमने कभी होम किया इंद्रियम विषयान जो होमि स्वाहा इंद्रियाणि जो होमि स्वाहा हम अपने विषयों का हवन करते हैं ज्ञान रूप अग्नि में अपनी इंद्रियों का हवन करते हैं अहंकारागम जो होमि स्वाहा द्वेषम जो होमि स्वाहा अस्मिताम जो होमि स्वाहा अविद्याम जो होमि स्वाहा है ना होम करो विषय का होम करते हैं इंद्रियों का होम करते हैं राग का होम करते हैं द्वेष का होम करते हैं अस्मिता का होम करते हैं अविद्या का होम करते हैं। वहाँ वृत्रासुर बोलता है अहम हरे तव पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः। वृत्रासुर को पूर्व जन्म में नारद और अंगिरा का सत्संग प्राप्त हुआ था संकर्षण का सत्संग प्राप्त हुआ था शिव पार्वती का सत्संग प्राप्त हुआ था
नहीं तो वृत्रासुर को ऐसी सद्बुद्धि कहाँ से आती? वृत्रासुर ने कहा, अरे भाई इंद्र तू नहीं जानता, अपने मालिक को मैं पहचानता हूँ, अपने मालिक के हाथ को मैं पहचानता हूँ, मैं पहचानता हूँ कि जब मैं मरूंगा तो लोग तो कहेंगे कि वृत्रासुर मर गया, लेकिन हमारी ये खोल छूट जाएगी और हमारे प्यारे मालिक हमको अपने हृदय से लगा लेंगे। हम पहचानते हैं कि वो हमको युद्ध में क्यों मारते हैं। युद्ध भूमि में तो वो हमारा ये जड़ शरीर छुड़ाते हैं और हमारे चैतन्य को अपने हृदय से लगाने के लिए। मैं अपने मालिक का हाथ पहचानता हूँ। त्रयवर्ग का या सदिघात मस्मत पतिर विधत्ते पुरुषस्य चक्रो। ये वृत्रयो क्या बोलता है? करे ओ इंद्र, तू समझता है कि तू जीत जाएगा तो हमारे मालिक तुमसे प्रेम करते हैं और मैं हार जाऊंगा मर जाऊंगा तो हमसे उनका प्रेम नहीं है? करे इंद्र, तुझे भगवान की कृपा की पहचान नहीं है। जब धन कमाने में सफलता नहीं मिलती, जब भोग करने में सफलता नहीं मिलती, जब धर्म करने में सफलता नहीं मिलती, जब मनुष्य का जीवन लोक में असफल होता है, तो तू पहचानता है भगवान की क्या इच्छा है? भगवान कहते हैं, मेरे बेटे तू इधर मत लग, मेरी गोद में आ जा। खिलौना छीन लेने का क्या मतलब है? माँ ने बच्चे के हाथ में से खिलौना छीन के फेंक दिया, बोले क्या मतलब है कि आ गोद में हमारा दूध पी। जब माँ दूध पिलाना चाहती है तो खिलौने को छीन कर फेंक देती है। जब भगवान अपने में मिला लेना चाहते हैं, तब इस शरीर को काट के फेंक देते हैं। त्रैवर्ग का यात धन नहीं मिलने देते, कमाई का प्रयत्न करो सफल नहीं करने देते, भोग का प्रयत्न करो सफल नहीं होने देते, है ना? जग जाग करने जाओ, चंदे का काम करने जाओ, नहीं मिलने देंगे। वो कहे चंदा करने में तो हमको भूल जाएगा, होम करने में तो हमको भूल जाएगा, भोग करने में हमको भूल जाएगा, कमाई करने में हमको भूल जाएगा। तो भगवान कहते बेटा, जहाँ तुम पांव रखोगे वहाँ तुमको सफलता नहीं मिलेगी। बोल तब हम करें क्या, मर जाए? कहे नहीं, मरो मत, हमारी छाती से चिपक जाओ, है? इसलिए हम तुम्हारा रास्ता रोक रहे हैं कि इधर उधर मत भटको, हमारे पास आ जाए। ततो नुमेजो भगवत प्रसाद प्रसाद सुदीर सुदुर्लभो किंचन गोचरो। वृत्रासुर ने कहा, त्रैवर्गिका यात विघात मस्मत पतिर विधत्ते। अरे मेरा मालिक, अरे वो चक्र, वो इंद्र मेरा मालिक है ना, किसको धर्म भ्रष्ट करता है, किसको भोग भ्रष्ट करता है, किसको अर्थ भ्रष्ट करता है? बोले वही करता है, अपने हाथ से करता है। किसको? बोले जिसके ऊपर प्रसन्न होता है कि अब इसको अपनी छाती का दूध पिला में, अपनी गोद में ले लें, चूम लें, अपने अंदर मिला लें, उसको संसार में सफल नहीं होने देता है। ततोनो में यो भगवत प्रसाद, भगवान की कृपा तब समझना चाहिए जब संसार में सफलता न मिले। समझ जाना, आप अपनी ओर बुला रहे हैं। सुदुर्लभ अन्य सुदुर्लभ अकिंचन गोचरा, ऐसी कृपा भगवान अकिंचनों पर करते हैं जो अकिंचन नहीं है, जिनको भगवान अभी नरक स्वर्ग का शेयर कराना चाहते हैं, हैं? जिनको अभी दुनिया दिखाना चाहते हैं, उनके ऊपर ऐसी कृपा नहीं करते। देखो तो ये वृत्रासुर की बुद्धि है। काम त्वाष्ट्र त्वाष्ट्र, ये वृत्रासुर भगवान का भक्त है, भगवान का भक्त है। कहाँ से बुद्धि मिली? यदि इसको नारद और अंगिरा का सत्संग न मिलता, यदि इसको संकर्षण का सत्संग न मिलता नारद, और यदि इसको शिव पार्वती का सत्संग न मिलता,
पार्वती ने कहा कि बेटा एक विमान मिल गया चढ़ के सैर करने के लिए, एक हवाई जहाज मिल गया, 10-5 औरतें तुमको मिल गईं, और जरा शरीर सुंदर मिल गया, और जरा है ना जवानी ज्यादा दिन टिकने वाली मिल गई, तो तुम ईश्वर को भूल करके अभिमान करते हो, शंकर जी की निंदा करते हो, हो जाओ बसो। बोले पार्वती जी ने प्रेम किया उससे कि उसका नुकसान किया? अरे वो बुद्धि मिली, वो बुद्धि मिली उसको। अहम हरे तव पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनस्मरेता सुपतेर गुणास्ते गृणीतवा कर्म करो तुकायः। जन्म जन्म में तुम्हारा दासानुदास बनू मैं, मन में तुम्हारा स्मरण हो, शरीर से तुम्हारी सेवा हो, वाणी से तुम्हारी स्तुति हो, है? और फिर भूल गई दुनिया, डूब गया भगवान में। तो ये वृत्रासुर को भक्ति कहाँ से मिली थी? सत्संग से। बिना सत्संग के भगवान की भक्ति नहीं मिल सकती। काया दवा गया। अच्छा कल सुना।